भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाओ। अब भय से मुक्ति दिलाओ कहते अशोक सिंह का काफी बनौरी के नहीं के जय सिवान में सुन कि सिवान में केवे के अगेंस्ट बोल करके आज तू डरे जीवन आप न गावे वो अगर अशोक सिंह जी जिये जितना बाहुबली बरन धनबली बरन सब सोचो जी। अब बी ए बी कॉम बी एस सी और एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी कॉलेज गेट के सामने सिवान। थायराइड शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सिवान। चुनाव की डेट की घोषणा भी हो चुका है, 4 अप्रैल को वोटिंग होने वाला है और महज एक महीने का समय बाकी है। कैसी तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है, नैया पार लगेगी? हमारा प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक मुखिया के घर पर तो हम चले जाएंगे। और मैंने ये जो चुनाव है 4600 लोगों का वोटिंग रेट है, 4600 कुछ का है और उसमें हमारे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं हर ब्लॉक में उनको 150-200 आदमी से मिलना है। हमारे हर ब्लॉक में 10-10 कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जा कर के अब 5 दिन में ही घर घर जा कर के सब लोग मिल लेगा। ये अगर 4 बार कहेंगे तो 4 बार मिल लेगा। हम लोगों का 4 सुमना नहीं करना। बोलिए नेता जी, बताइए एक बात बताइए, रहुआ तो बीडीसी बनी ना हम कहानी है कि पैसा दे ना। एक बात जान लगा हम कहानी खाली मुखिया लोग से मिला था नहीं के मुखिया के दरवाजा पर जा करके जीता लाल दोनों के प्रयास करता नहीं और वार्ड से वही बेर मिल लेता नहीं। और वार्ड के सबके घर पर सुनी ना, सुन ली पहले जाके सबको यहाँ के बात करता नहीं, मिलता नहीं, जुलता नहीं कि हमारा के देखी हम रुआ साथे घूम सके नहीं कि ना, रुआ मोटरसाइकिल पर बढ़ सके नहीं कि ना, रुआ साथे चल के खाना खा सके नहीं कि ना। और ही जवान प्रतिनिधि रुआ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ के घूम दी हर तो उनके के बोलते थे तो घुमा ना ली रुआ अपना मोटरसाइकिल को भी पास। नेता जी, जवान एमएलसी लोग के मुख्य काम है, एमएलए लोग के मुख्य काम है, आईएमपी लोग के मुख्य काम है, पटिया छटिया सब पैसा रिपोर्ट सोवे लगा यार, रुआ चुनाव जीतन देर पहुंचे ना। ई काम ना है एमएलए एमपी के काम, एमएलए एमपी के काम है नू आगे ये जगह विकास करो। भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाओ। अब भय से मुक्ति दिलाओ कहते अशोक सिंह का काफी बनौरी के नहीं के जय सिवान में सुन कि सिवान में केवे के अगेंस्ट बोल करके आज तू डरे जीवन आप न गावे वो अगर अशोक सिंह जी जिये जितना बाहुबली बरन धनबली बरन सब सोचो जी जान ली। एक बात सुन ले, हम किसान के बेटा है आ किसान के बेटा नू केवे से कमजोर ना होला, केवे बड़का अरबपति होई करोड़पति होई लेकिन किसान स्वाभिमानी होला, अपना स्वाभिमान के रक्षा करेला आ ओकरा से केवे से कम नहीं के। आ जितना जनप्रतिनिधि जीतल बढ़ल सब किसान के बेटा हो, रहुआ भी डी सी जीतल में तो रो किसान के बेटा है, केहुए में बिजनेस व्यापारी के बेटा नहीं के। बैठक कल बगल हमनी के भाई हैं से सब के हमनी के भाई सब अशोक सिंह बन के आ सब भाई लोग चुनाव लड़े के यही कहते बैठक कल गल बा रणनीति ये तय भैया कि जितना हम अशोक सिंह अकेले रुआभी कनिया कि सारा वार्ड मेंबर से नहीं मिल सकत तो हमार जितना भाई लोग बा सब के अशोक सिंह बन के आ सब के अकेले के जाई आ सब के से कही हम ही अशोक सिंह हैं आ हमरा के वोट दी आ वो लोग वोट मांगी हमारा बारे में बताई आ रोग हमारा बारे में पता कर ली और नहीं के पता तो पता कर ली। एमएलसी के चुनाव जो है खासतौर पर धन बल के काम लगेला, धन भी लगेला बल भी लगेला, तो धन तो हो सके डर वाला के बल कहाँ से। एगो बात बताओ जाए जितना लोग बा हमारे भाई उनको लोग कमजोर के हुए मत बुझे आ सब ये लोग बलवा से जो गठबंधन रहा गठबंधन के तीन तीन को प्रत्याशी बनी लोग जयसवाल जी प्रत्याशी बनी, अजय चौहान जी प्रत्याशी बनी, वही गठबंधन के टूट के रहुआ प्रत्याशी बनी। ना कांग्रेस के वोट नू पूरा मने तोहरो परिवार कांग्रेसी रहे
आ जितना लोग सारा लोग के परिवार कांग्रेसी बाबू जे पत्रकार भी बनू ओकरो परिवार के बाबूजी बाप बाप कांग्रेसी बुझलि आ उ 30 साल पहले कांग्रेसी रहो आज कांग्रेसी हो गई बा लोग आ सारा लोग रही आ सब लोग रही आ सारा जात जमात सबके साथे बा। ना ना कांग्रेसी रहला लोग कांग्रेस के अस्तित्व भी रहला लेकिन चुपचाप बैठा रहला लोग कहे कि हमने के राजद के लोग घुमावे ना करी बोल पूछबे ना करी आ भलुए ना थी वहाँ क्या मैंने रुक जाए शंकर दुबे जी जन्म नहीं नो शंकर दुबे जी वो विधानसभा चलता आ वहाँ के साथ थे हम 4-5 दिन हमने के सिसवान सिसवान रघुनाथपुर आ उन्हें सब वह के देख रेख में हमने घूमल में नहीं सर बुझनी और वो अगर पता करे गो के तो पता कर लेंगे सारा मुखिया किया फोन गई बा बात भई बा आ सबको के समर्थन के वोटर से ये अपील कर कि सच्चा चुनो अच्छा चुनो जय नॉमिनेशन कब कर रहे हैं 14 तारीख के नॉमिनेशन बा हम 10 बजे हम अपना दरवाजे से निकले महरवा में बाबा हरिराम के यहाँ गोर लगे आ गोर लाग के वहाँ के आशीर्वाद प्राप्त करें आ जनता जनार्दन से अपील करें कि रोल आई लो जब टिकट मिले रहे तब रोल महरवा धाम पर गोर तो हम बाबा के गोर लागल हमने के कर्तव्य भी बा आ रही बा बहुत बहुत धन्यवाद। महासचिव है वर्तमान में और पार्टी के जिम्मेदारी आपके कंधों पर टिकी हुई है तो कैसे यहाँ पे फील्ड आप लोग कर पाइएगा सिवान जिला में? प्रथम बात मैं आप सभी के चैनल का स्वागत करता हूँ। पार्टी की जिम्मेदारी केवल मेरे कंधे पर नहीं है, पार्टी की जिम्मेदारी मेरे उन लोगों के कंधों पर है जो आज 40 वर्षों से मेरे साथ कदम कदम मिलाकर चल रहे हैं। लोगों का माइंड सेट हो चुका है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है बीजेपी का नारा है और लोगों का माइंड सेट कर रही है बीजेपी, उस कंडीशन में आप अपने आप को कैसे यहाँ पर बचा पाइए? बीजेपी का जो नारा है भारत मुक्त, हमको उम्मीद है संभवतः कि 5 स्टेट के चुनाव के बाद लोग कहेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, क्या अनुमान है कांग्रेस का? कांग्रेस हमारी, हम तो चुनाव में वहाँ पर लड़ रहे हैं अपने आगे के भविष्य के लिए बना रहे हैं। हाँ, हम अपना भविष्य सरकार नहीं बनाएंगे, हम अपना भविष्य आगे के लिए बना रहे हैं और इस बार हमने यह काम साल पुरानी पार्टी अभी भविष्य बनाने के बारे में सोच रही है क्योंकि यूपी बिहार हमारा बहुत कमजोर था तो 2 वर्षों में हमारी सामान्य मेनका प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने पंचायत प्रखंड स्तर पर घूमकर जो संगठन को खड़ा कर दिया है आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कांग्रेस बोल रहा है। बिहार में 24 विधानसभा परिषद की सीटें हैं और 24 से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल कितनी सीटें आने का अनुमान है 24 में? हमको उम्मीद है कि बिल्कुल जैसे उम्मीदवार चयन हुआ है, अभी तो 16 घोषणा नहीं हुए है लेकिन जो घोषणा जो नाम चर्चा है हमको उम्मीद है कि 2400 सीट पर हम लगभग 8-9 सीट जरूर जीतेंगे। सिवान वाला सीट निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। किस आधार पर कह रहे हैं? शोक छवि, लोगों की आशा, लोग चाहते हैं कि सिवान भाजपा का नारा है कि भाजपा अपराध मुक्त सिवान चाहिए तो इस बार लोग कहते हैं कह रहे हैं कि अपराध मुक्त सिवान तभी होगा जब हम लोग अशोक सिंह चुनाव जिताएंगे। चलिए बोल रहे सुशील जी, आप छात्र संघ के नेता हैं तो कन्हैया जी के साथ काफ़ी आपका लगाव रहता है, हमेशा दिखाई देते हैं साथ में और देखा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो चुनाव जीत गए हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में, तो उन लोगों से आप क्या अपील कीजिएगा जो आपके एज के हैं युवा हैं? देखिए, नए बिहार के लिए एक कांग्रेस ही एक विकल्प हो सकती है, नया बिहार बनाना है। इसी विकल्प जिसमें नए बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें होंगी। आप इस बात को देख रहे हैं कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन नीति को फिर से लागू किया है, मतलब कि यह कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण धीरे धीरे वह बढ़ेगा ही और इसका विकल्प के तौर पर वो कांग्रेस ही सामने आएगी। सुशील जी, 440 से 44 पे आपकी पार्टी आ चुकी है जी, अभी भी भविष्य के बात आप लोग कर रहे हैं, क्या शोभा देता है? देखिए, अभी जिस देश जिस हालत में है उसमें जिस तरह से सार्वजनिक सेक्टरों को बेच रही है सरकार, रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर हर चीज़ की बोली लगा रही है, 7.5 सालों के अंदर में लोगों ने देख लिया है कि भाजपा से सरकार चलना नहीं है और भाजपा केवल अपने मित्रों के लिए
पैसे बटोर कर वह रख सकती है, वह सरकार तो नहीं चला सकती है, लोगों का भला नहीं कर सकती है। निश्चित ही आने वाला दिन वह जो एक बड़ा वैक्यूम जो क्रिएट होगा वह कांग्रेस ही विकल्प होगा, दूसरा कोई पार्टी लोगों से क्या अपील कीजिएगा जो भी प्रतिनिधि लोग जीते हुए हैं उन लोगों से। सिवान के खास तौर पर जो जनप्रतिनिधि 4642 जो प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं जिनको वोट डालना है 4 तारीख को, उनसे साफ तौर पर मेरा अपील है कि सिवान के अंदर में एक अपराध मुक्त छवि, एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बना के ले आई है। निश्चित ही एक ऐसे उम्मीदवार को एक पक्ष में मतदान करें और हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि आने वाले दिनों में लोग हमारी बातों पर भरोसा करेंगे और लोग त्रस्त हैं। भाजपा और जो महागठबंधन जो कहीं ना कहीं से वह पीठे पीठ में छुरा भोंकने का काम लोगों ने किया है, इस बात को जो लोग कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट कांग्रेस का घटिया है, कांग्रेस का कमज़ोर है, उनको हम बताना चाहते हैं कि 40 सीटें लोकसभा की थी और 40 में से एक सीट कांग्रेस ने जीता था, उन 40 सीटों पर वह NDA की जीत हुई, तो कांग्रेस ही है जो कि वह सही मायने में विकल्प हो सकता है। सुशील कुमार जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए यहाँ पे और देखा जा रहा है कि पार्टी काफी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है यूपी और बिहार में, और क्या लग रहा है एमएलसी में चुनाव होने वाला नैया पार लगेगी कांग्रेस पार्टी की? एक चीज जान लीजिए, अशोक सिंह जब से सिवान में कांग्रेस के उम्मीदवार बने सभी कार्यकर्ता और सभी जो सदस्य है BDC हो चाहे मुखिया हो चाहे उप मुखिया हो, वो उन लोगों को एक उम्मीद लगी है कि सिवान जिला में एक स्वच्छ छवि के आदमी आया है लड़ने के लिए। आ सब लोग घूमने पर मालूम हो रहा है कैसे उसका रिजल्ट मिलता है। कल सिंह के आने से ही ये हुआ है क्या, कांग्रेस मजबूत हुई है? नहीं, वो बात नहीं है, कांग्रेस तो मजबूत थी तो क्यों नहीं अपना जमीन बचा पा रही थी? मजबूत थी तो कहाँ मजबूत खोजते हैं, कहाँ जमीन नहीं बचा है? यूपी और बिहार में देखे तो कांग्रेस देखिए 30 साल से गठबंधन में थे, आप दूसरे के पांव पे आप लोग चल रहे हैं, बैसाखी का सहारा लेके। हमारे सहारे भी तो वो लोग चल रहा था, लालू जी को देखे होइएगा जब जेल से निकले तब बोले कि बिना कांग्रेस का विपक्ष नहीं, आखिर उनके दिल में कांग्रेस के प्रति नहीं कुछ रहता तो ऐसा क्यों बोलते? सोनिया जी को नेता बोलते थे, हमारा नेता देश का कैसा हो, सोनिया गांधी जैसा हो। अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील कीजिएगा, सारे कार्यकर्ता लोग आए हुए 1900 प्रखंड के यहाँ पे प्रखंड। अपील नहीं, हम लोग वो लोग संघर्षशील है और कल हम लोग बढ़रिया खोरी पाकर ये सब हम लोग घूमे, देखे दिल में कितना BDC मेंबर मुखिया उप मुखिया लोगों का हिम्मत है अशोक सिंह को आने के लिए। जब ये आए हैं तो उन लोग को एक जगह है जो अच्छा आदमी आया है इसको वोट देना चाहिए। चलिए बहुत